गर्मियों में ताजगी के लिए लस्सी पीना सबको बहुत पसंद होता है, तो चलिए आज हम बनाते हैं गुलकंद लस्सी। तो ये लस्सी बनाने के लिए एक जार ले लिया है मिक्सी का। इसमें गाढ़ा दही लेंगे हम 1 कप। तो ध्यान रहे गाढ़ा दही ही होना चाहिए, तभी लस्सी हमारी अच्छी बनेगी। गुलकंद ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, रोज़ सिरप इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ बाद में गार्निशिंग के लिए। पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून, खड़ी चीनी लेंगे तो उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा इसलिए चीनी पीस कर ही लें। इलायची का पाउडर 1 पिंच जितना, टेस्ट के लिए, आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। रोज़ वाटर यानी गुलाब जल है थोड़ा सा, और इन सभी चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे पल्स मोड पे, यानी कि एक बार में हमें ब्लेंड नहीं करना है कि बस चला दिया, इससे हमारी लस्सी पतली हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा चला के बंद करना है, तो ये स्टेप हम 3-4 बार करेंगे, लस्सी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो लस्सी को मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए कितना सुंदर कलर इसका दिख रहा है, एकदम लाइट पिंक। और ये देखिए थिक भी कितनी हो गई है। इस तरह चलाएंगे तो दही हमारा पतला नहीं होगा और लस्सी अच्छी बनेगी। इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो एक गिलास में कुछ आइस क्यूब डाल लीजिए, जितनी भी आपको ठंडक चाहिए, और इसमें मैंने लस्सी सर्व कर ली है। ऊपर से मलाई मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा, ज़रूर डालें, घर की ही मलाई है। गुलकंद थोड़ा सा ऊपर, ये सब मैं गार्निशिंग के लिए कर रही हूँ। कुछ रोज पेटल्स मेरे पास हैं तो मैं ये थोड़ा सा क्रश करके डाल देती हूँ, और फाइनल टच हम इसको देंगे रोज सिरप के साथ। और लस्सी हमारी बनकर तैयार है, आप भी ज़रूर बनाइए। रेसिपी पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।